हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 1.3, इट इज़ क्लास नाइन्थ एंड चैप्टर इज रियल नंबर्स सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड काइंड ऑफ डेसिमल. इट मीन्स ये जो हमें फ्रैक्शन दिए हैं रेशनल नंबर दिए हैं हमें इन सबको डेसीमल फॉर्म में लिखनी है और साथ में ये भी लिखना है कि वो किस टाइप के डेसीमल हैं इट मीन्स टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है सो so, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड वेन वी डिवाइड इट वी फाइंड जीरो पॉइंट थ्री सिक्स सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें पॉइंट के बाद डेसिमल में सिर्फ टू डिजिट हैं जो कि फिक्स है सो so, एक टर्मिनेटिंग डेसीमल होगा क्लियर स्ट्रेंड्स जीरो पॉइंट थ्री सिक्स ओनली टू डिजिट सो इट इज टर्मिनीटिंग डेसीमल नाओ सेकेंड पार्ट वन अपॉन इलेवन इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर में हमारे पास आएगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन फिर जीरो नाइन फिर जीरो नाइन और इसी तरह आता चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं वन ओ पलेवन इक्वल जीरो पॉइंट जीरो नाइन क्योंकि यहाँ पर जीरो और नाइन टू डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार तो हम इसको बार में लिख सकते हैं पॉइंट जीरो नाइन और उस पर बार तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है रिपीटिंग ये मैंने गलती से यहाँ नॉन लिख दिया था बट रिपीटिंग डेसिमल है सेकेंड यानी थर्ड थर्टी थ्री अपॉन एट इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो यह आएगा फोर पॉइंट वन टू फाइव और इसको देखने से लग रहा है कि इसमें थ्री डिजिट डेसिमल के हैं जो कि फिक्स हैं तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है आई होप स्टूडेंट्स अभी आप फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद कर सकते हैं सो पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ बाई योर सेल्फ नाओ सिक्स पार्ट थ्री ट्वेंटी नाइन अपॉन फोर हंड्रेड जब हम इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आएगा पॉइंट एट टू टू फाइव जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि यहाँ पर फोर फिक्स डिजिट हैं फोर डेसिमल प्लेस हैं फिक्स प्लेस हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू गिवन दैट वन अपॉन सेवन इक्वल पॉइंट फोर वन फोर टू एट फाइव सेवन रिपीटिंग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वन फोर टू एट फाइव सेवन सिक्स डिजिट रिपीट हो रहे हैं यानी बार बार ये फिर से आ रहे हैं वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर वन फोर टू एट फाइव सेवन इस तरह से आते चले जाएंगे तो ये वन अपॉइंट सेवन की वैल्यू दी है इन्होंने अब इन्होंने पूछा है फाइन द वैल्यू ऑफ टू अपॉइंट सेवन थ्री अपॉइंट सेवन फोर अपॉइंट सेवन एंड फाइव अपॉइंट सेवन सिक्स अपॉइंट सेवन सो नावी सोल दिस क्वेश्चन वी हैव वन अपॉइंट सेवन इक्वल पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन जो कि एक रिपीटिंग डेसिमल है यहाँ पर सिक्स डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं टू पॉइंट सेवन की वैल्यू कैसे टू पॉइंट सेवन इक्वल टू मल्टीप्लाई वन सेवन यानी टू मल्टीप्लाई वन सेवन की वैल्यू और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर और ये भी बार बार रिपीट होगा तो ये होगा टू पॉइंट सेवन की वैल्यू आ जाती है पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर यहाँ पर भी सिक्स डिजिट रिपीट होंगे अब फाइंड करनी है थ्री पॉइंट सेवन की वैल्यू तो थ्री अपॉइंट सेवन मीन्स थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉइंट सेवन और वन अपॉइंट सेवन की वैल्यू हम रख देंगे उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फाइंड कर लेंगे पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन वन और ये भी रिपीट होगा तो यहाँ पर भी सिक्स डिजिट रिपीट होंगे जब किसी बार डेसिमल की मल्टीप्लाई किसी डेसिनल नंबर से की जाती है तो उसका आंसर भी बार डेसिमल ही आता है और इसी तरह फोर अपॉइंट सेवन यानी फोर इंटू वन अपॉइंट सेवन मीन्स फोर इंटू पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन और इसको मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर निकाल सकते हैं ऐसे ही फाइव पॉइंट सेवन फाइव इंटू वन अपॉइंट सेवन वन अपॉइंट सेवन की वैल्यू को फाइव से मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर आ जाएगा और सिक्स अपॉइंट सेवन सिक्स इंटू वन अपॉइंट सेवन और इसको भी हम सिक्स से वन पॉइंट सेवन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा जो भी रिपीटिंग डेसिमल होंगे तो इस तरह आप इन सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये सभी रिपीटिंग डेसिमल होंगे यानी सभी बार डेसिमल होंगे सो so, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था और आई वो आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा डिफरेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ पी एफ ऑन क्यू जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बार डेसिमल नंबर दिए हैं यानी रिपीटिंग डेसिमल्स दिए हैं जिनको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है और ये आप जानते हैं कि रेशनल नंबर की दो फॉर्म होती है एक डेसिमल फॉर्म और दूसरी पी एफ ओन के ओ फॉर्म दोनों को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर डेसीमल फॉर्म है तो उसको पी एफ ओन के की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सो फर्स्ट पार्ट पॉइंट सिक्स और सिक्स पे बार

कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर को टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वन डिजिट डेसिमल वन डिजिट आगे पहुंच जाता है तो ये डेसिमल यहाँ की बजाय यहाँ पहुंच गया और ये हो गया सिक्स पॉइंट सिक्स 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 और ये अनलिमिटेड टाइम सिक्स रिपीट हो रहा है इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर टू अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों लाइक like डेसीमल हैं इक्वेशन वन में आप देख रहे हैं डेसीमल के बाद में जो डिजिट है इक्वेशन टू में भी डेसीमल के बाद सेम डिजिट है तो ये दोनों लाइक डेसीमल होंगे तो हम क्या करेंगे इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे टेन एक्स माइनस एक्स और इधर राइट साइड से राइट right साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट साइड 6.6 बार लिख सकते हैं तो 6.6 बार माइनस जीरो बार और जब इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिक्स में से जीरो जाकर सिक्स बचेगा यानी यहाँ बचेगा नाइन एक्स इक्वल सिक्स ध्यान दें स्टूडेंट्स सिक्स बार से सिक्स बार कैंसिल हुआ और सिक्स में से जीरो सब्टेट हुआ तो सिक्स बचता है तो नाइन एक्स इक्वल सिक्स और एक्स इक्वल आ जाता है सिक्स अपॉन नाइन शॉर्ट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एक्स इक्वल टू बाई थ्री और फिर अब एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने लेट की थी वही वैल्यू रिकॉल द वैल्यू ऑफ एक्स तो एक्स की जगह आ जाता है पॉइंट सिक्स बार और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि पॉइंट सिक्स बार की रेशनल वैल्यू होती है थ्रू अपॉन थ्री और ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बहुत तो ध्यान से स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट करके आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आता है नाउ सेकेंड पार्ट पॉइंट फोर सेवन और यहाँ सिर्फ सेवन पर बार है ध्यान देंगे स्टूडेंट्स फोर सेवन पर नहीं सिर्फ सेवन पर बार है यानी सेवन रिपीट होगा तो लेट किया हमने इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं हमने इसको ए लेट कर लिया ए इक्वल पॉइंट फोर सेवन पर बार इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया फिर हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ए इक्वल पॉइंट फोर सेवन 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 मैनी टाइम्स फिर क्या करेंगे हम दोनों साइड टेन से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हो जाएगा टेन ए और यहाँ पर हो जाएगा फोर पॉइंट सेवन क्योंकि डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो फोर पॉइंट सेवन 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 मैनी टाइम्स ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू अब ध्यान देंगे हम क्या ये दोनों दोनों इक्वेशन में लाइक डेसिमल है नहीं यहाँ फोर सेवन सेवन है यहाँ सिर्फ सेवन सेवन है अगेन हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टेन की जगह हो जाएगा हंड्रेड ए और यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट आगे पहुँच जाएगा तो हो जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन 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 और ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी दो इक्वेशन ऐसी हैं जो लाइक like डेसिमल हैं तो ये और ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में लाइक like डेसीमल है डेसीमल के बाद सेम डिजिट्स से हैं सेवन 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 तो हम इन्हें लाइक डेसीमल कह सकते हैं इक्वेशन वन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड हैव लाइक डेसीमल्स सो सबेड कर देंगे थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्टेक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो क्या होगा हंड्रेड ए माइनस टेन ए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्टैक्ट होगी और राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन बार लिख सकते हैं लिख दिया माइनस फोर पॉइंट सेवन बार लिख सकते हैं बार से बार सेवन बार से सेवन बार कैंसिल फोर्टी सेवन में से फोर जाएगा तो फोर्टी थ्री तो यहाँ पर बचता है नाइन्टी ए इक्वल फोर्टी थ्री और ए इक्वल नाइनटी एफोन में आ जाएगा फोर्टी थ्री 90 नाइन्टी रिकॉल द वैल्यू ऑफ़ ए ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे पॉइंट फोर सेवन और सेवन पे ही बार लगाएंगे तो इक्वल वैल्यू आ जाती है फोर्टी थ्री अपॉइंट नाइन्टी तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है अब देखेंगे थर्ड पार्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट है थर्ड पार्ट पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन और थ्री डिजिट तीनों पे बार है तो हमने इसको लेट किया एक्स इक्वल पॉइंट जीरो जीरो वन पे बार फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया इसको फिर इसको एक्सपेंड कर दिया एक्सप्लेंड करने के बाद फिर इसको टेंथ से मल्टीप्लाई किया इधर भी टेंथ से मल्टीप्लाई हो गया पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन और ये रिपीट हो जाएगा फर्स्ट इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना अगेन हमने फिर इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया और फिर ये पॉइंट एक डिजिट आगे पहुँच जाएगा और फिर ये नंबर आ जाएगा जो कि थर्ड इक्वेशन होगी हम फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कोई भी दो लाइक like डेसिमल हमें नहीं मिले तो हम तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जब तक हमें लाइक like डेसिमल नहीं मिलेंगे यहाँ पर हमें कोई लाइक like डेसिमल नहीं मिले यहाँ पर कोई लाइक like डेसिमल नहीं मिले फिर हमने अगेन मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन बनाई तो भी इसमें लाइक डेसिमल नहीं थे फिर हमने फोर्थ इक्वेशन बनाई अगेन हंड्रेड टेन से मल्टीप्लाई किया तो हंड्रेड का हो जाएगा थाउजेंड और यहाँ डेसिमल वन डिजिट आगे पहुँच जाएगा तो ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी अब हम देख रहे हैं फोर्थ में और फर्स्ट में दोनों में लाइक डेसिमल है क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन रिपीट हो रहा है तो ये जो रिपीट हो रहा है तो ये दोनों -दो इक्वेशन लाइक डेसिमल लगती हैं सो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फोर्थ हैव लाइक डेसिमल्स तो हम सबटैक्ट करेंगे इक्वेशन वन को फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से क्योंकि ये दोनों लाइक डेसीमल हैं और ये ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है तो फोर से वन को सब्टैक्ट करेंगे और सप्टेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा वन एक्स यानी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सप्टेट किया वन थाउजेंट एक्स माइनस एक्स यहाँ बचता है नाइन 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 यानी ट्रिपल नाइन एक्स और यहाँ पर वन पॉइंट जीरो जीरो वन पे बार लगा देंगे माइनस यहाँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन पे बार बार प, बार पार्ट से बार पार्ट पार कैंसिल हो जाएगा और वन में से जीरो सबटेट होगा तो बचेगा वन और फिर हम क्या करेंगे एक्स इक्वल नाइन 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 में आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अफोन ट्रिपल नाइन एक्स की जगह वैल्यू रिकॉल कर देंगे तो पॉइंट जीरो जीरो वन बार इक्वल वन अपन नाइन 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 एनी वन अपन ट्रिपल नाइन तो ये रेशनल फॉर्म आ जाती है पॉइंट जीरो जीरो वन बार की तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है और इसी तरह हम फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दिया है आपको फोर्थ पार्ट इस फोर्थ पार्ट को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ वन को ही रिपीट करना है नाओ स्टूडेंट्स अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एंड एट और जो भी लास्ट है उसने वो सभी बताऊंगा तब तक के लिए गुड बाय